नेचुरल में क्या दिक्कत आ रही है कि भाई मतलब एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बहुत। भाई एक शक्ल देख के आपको लग रहा होगा थोड़ा डिप्लीटेड। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो यार स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि अगली वीडियो बनेगी कार्ब लोडिंग वाले डे के ऊपर, जब मैं अपना लास्ट सिप ऑफ वाटर पीऊंगा। मतलब अब मैं लास्ट सिप ऑफ वाटर मैं अपना अभी पी रहा हूँ, ये थोड़ा सा बचा है यही पी रहा हूँ बस। और फिर कल पूरा दिन पानी नहीं पीना, परसों है कॉम्पिटिशन। क्योंकि भाई इसके पीछे का मैं आपको रीजन समझा देता हूँ, साइंस समझा देता हूँ। एक बार क्या होता है कि जब हम नमक छोड़ चुके होते हैं, जब हम एथलीट, जैसे मैंने नमक छोड़ दिया था थोड़े टाइम पहले, तो जब हम नमक छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है कि वाटर को फ्लश करने लग जाती है। तो हम जब ज़्यादा उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं तो बॉडी को लगता है कि भाई जितनी मेरे को नीड है उतनी बॉडी के पास रहता है वाटर, बाकी का जो होता है वो फ्लश करती जाती है, फ्लश करती जाती है। जब हम उसमें ज़्यादा डालते हैं पानी, जैसे अभी मैं अपना 6-8 लीटर 10 लीटर ऐसे ऐसे पानी पी रहा था, तो जब हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो बॉडी को लगता है कि यार ये तो एक्स्ट्रा है सारा, वो निकालते रहते हैं। तो अब आज तक मेरा मतलब आज 3 तारीख है, तो आज तक मेरा वाटर बहुत हाई चल रहा था। आज भी मैंने 7 लीटर पानी पिया। तो कल जब मैं एकदम से पानी को काट दूंगा, बॉडी को अभी भी यही लग रहा है कि एक्स्ट्रा वाटर है, बॉडी निकालती जाएगी। तो ऐसे करके क्या होएगा गाइज, हमारी बॉडी का वाटर निकल जाएगा। तो जब तक बॉडी को पता चलेगा कि भाई ये एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, तब तक बॉडी भाई लेट हो चुकी होगी। तो तब तक हो चुका होगा हमारा वाटर आउट। तो चलिए लास्ट सिप है यार, ये तो पियूं। बहुत मुश्किल गेम है यार। कोई नहीं भाई, मजा आता है, एक एथलीट को मजा आता है यार प्रेप में। अगर आप सोचोगे तो भाई, वैसे भी बताऊं तो यार मेन में पता क्या सोच रहा हूं भी कि अभी तक तो मैं बॉइल्ड चिकन को खा रहा था भाई, पानी के साथ निकल रहा था, खा तो रहा नहीं था, निकल रहा था मैं उसको, मतलब थोड़ा सा च्यू करता था और निकल लेता था उसको पानी से। अब सोच रहा हूँ कल का क्या होगा। कल वर्कआउट यार, मैं शायद वर्कआउट तो मैं नहीं करूँगा, पंपिंग मतलब मैंने आज कर ली थी पंपिंग, तो मैं कल वर्कआउट नहीं करूँगा। थोड़ी बहुत अगर करी तो थोड़ा बहुत पंपिंग करूँगा, बाकी अभी नीड नहीं है। क्योंकि अभी ये टाइम होता है रेस्ट का, हम बॉडी को चाहिए होता है रेस्ट। और मैं बता दूँ आपको, टाइम हो चुका है 12 बजे का अभी, और 3 तारीख है, मैंने आपको बता ही दिया। रात को वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह जाना है वेट देने के लिए, और कल कार्ब लोडिंग भी है। 7 hours later। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई सुबह हो चुकी है, और जैसे मैंने आपको रात का सारा सीन बता ही दिया था क्या क्या करना है आज, तो अभी मैं खाली बैठ हूँ और अभी उठाऊँ। आज लेट उठा मैं, अभी 10:30 बज रहे हैं। रोज मैं जल्दी उठ रहा था थोड़ा सा, क्योंकि फास्ट फूड कार्डियो करने जाना था, तुम्हें बताया था मैंने। तो आज मैंने कहा यार, क्योंकि आज जितना लेट उठूंगा उतना सही है, क्योंकि भाई जितना मैं ज़्यादा देर जागा रहूँगा उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी। सोड़े में सोच रहा हूँ दोपहर को भी सो जाऊँगा, थोड़ी देर रेस्ट भी अपना पूरा होएगा आराम से, मतलब दिन सोते सोते निकाल देंगे। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल है ये दिन बिना पानी के, भाई क्या बहुत ही मुश्किल है। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो बस अभी 10:30 बज रहे थे और जा रहे थे, मतलब जा तो नहीं, अभी फ़ोन करता हूँ दोस्तों को क्योंकि उन्होंने साथ जाना है, तो चलेंगे वहां पे, जाएंगे वेट देने और आपको दिखाएंगे सारा क्या क्या सीन रहता है। तो चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे यार, ये वो पेट्रोल लगा रहे हैं भाजी, और ये भाई भी आ गए दोनों, ईश भाई और डैनी भाई आ चुके हैं। भाई शक्ल देख के आपको लग रहा होगा थोड़ा देख लो डिप्लीटेड डिप्लीटेड, जो लाइन दिख रही है भाई, जो लाइन तो है मेरी, अब तो मैं सेक्सी हूं। डिप्लीटेड स्टेज देख लिया आपने, तो यार अब जा रहे हैं वेट देने के लिए, ना कुछ खाया है सुबह से ना कुछ पिया है, कार्ब लोडिंग करनी है, बस एक बार वेट दे दें फिर कार्ब लोडिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। तो बाकी सारे भाई आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं। जूनियर और नेचुरल दोनों नेचुरल में भाई सब होंगे, और उसमें फर्स्ट चेक करेंगे नेचुरल में, मतलब एज के
पिछले एज का है, इसकी 57 तो नीचे है, वो एक साथ आएंगे, इसकी 57 तो ऊपर है। एज एज हां एज जूनियर में, जूनियर मतलब नेचुरल में एज नहीं है, नेचुरल में एज है 123 ना। चल सर मीट कर लेंगे इस दिल्ली नहीं जा सकता फिर मतलब खत्म हो गए। प्राइजिंग में भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड को बढ़िया मेडल, बढ़िया ट्रॉफी, और फर्स्ट सेकंड को प्रोटीन है, डिनर है प्लेटिनम न्यूट्रिशन की तरफ से, और सीनियर में हमारे सीनियर बॉडी बिल्डिंग में हमारे फर्स्ट वाले को मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और प्रोटीन और एक साइकिल, और सेकंड वाले को म्यूजिक सिस्टम, ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट और सप्लीमेंट। ओके तो भाई देखा जैसे आपने, हमने यहाँ पर वेट दे दिया अपना, हाइट वेट दे दिया और डोर कैटेगरीज में रजिस्टर कर दिया हमने, वो जरा मेरे लिए सिक्योरिटी आई है। दो कैटेगरीज में हमने रजिस्टर कर दिया, तो अब निकल रहे हैं घर, कार्ब लोडिंग करनी है। चलिए चले, ये लोग आ चुके हैं घर पे, और ये देखो ट्रंक नंबर तुम्हारे भाई का, ये साथ में बैंड है हाथ का, और साथ में मतलब हनी भाई तो चले गए हैं और ये बैठे हैं दोनों। तो भाई बस अब आपको दिखाएंगे कल कैसे रहने वाले गेम। दो में पार्टिसिपेट किया मैं आपको बता देता हूँ, एक जूनियर मेंस फिजिक में करा है मैंने, जिसमें एनहेंस एथलीट्स भी आएंगे। कोई नहीं भाई, खेलना एक बहुत बड़ी बात है, मतलब उनके साथ एक स्टेज पर खड़ा होना। और दूसरे जो गेम है वो है नेचुरल मेंस फिजिक। अब नेचुरल में क्या दिक्कत आ रही है कि भाई मतलब एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंदे भी आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा, तो कोई नहीं देख लेंगे, काफ़ी है। बाकी आप लोगों को अपडेट दिखता रहेगा, तो चलिए दिखाते हैं आपको कार्ब लोडिंग कैसे रहने वाली आज की। सो गाइस यहाँ हो रही है हमारी कार्ब लोडिंग की स्टार्टिंग। तो पहले हम ले रहे हैं बॉइल्ड ब्राउन राइस जो कि है 150 ग्राम। चलो यार पहले ये कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट मील पे, और फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है यार अपना मील का, सेकंड मील जो हम कार्ब लोडिंग में ले रहे हैं आज के दिन। मैं आपको दिखाता हूँ पहले मील, फिर बात करते हैं उसके बारे में, सारा बताऊँगा। तो गाइस देखिए ये रहे अपने बॉइल्ड पोटैटो और बॉइल्ड एग वाइट्स, क्योंकि गाइस प्रोटीन को थोड़ा सा कम करना है कार्ब लोडिंग वाले दिन, लेकिन ख़त्म नहीं करना पूरी तरीके से। प्रोटीन तो रहेगा नहीं यार, मतलब मसल क्योंकि रखनी है मेंटेन करके, मसल लॉस ना हो हमारी। और साथ में मैं आपको बता दूं भाई पोटैटो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोटैटो से हमें मिल जाता है पोटेशियम, और पोटेशियम का काम होता है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करने के लिए दो मिनरल्स काम में आते हैं, एक होता है हमारा सोल्ट और एक होता है हमारा पोटेशियम। तो गाइस जब सोल्ट को हमने कम कर रखा होता है तो हमें पोटेशियम की क्वांटिटी हाई करनी होती है, जिस वजह से हम फ्लूइड को मेंटेन कर पाएँ, नहीं तो दोनों कम हो जाएंगी तो भाई सीन खराब हो जाएगा। तो इस वजह से अभी मील लेता हूँ यार मैं, और सोच रहा हूँ सो जाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अब यार दिन निकल जाएगा सो के तो सो जाता हूँ एक दो घंटे, उसके बाद उठूँगा फिर दूसरी मील लूँगा, एंड जल्दी से आज का दिन खत्म हो, बस एक दिन रह गया, और कल का दिन फिर कल देखते हैं क्या क्या होता है, कोशिश करेंगे यार। देखो हर बंदा जीतने के लिए जाता है, तो देखते हैं क्या होता है कल। बाकी ट्रंक नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया है, उन्होंने वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हमारा किया था वो भाई जैसे कि आपने देखा ही, रजिस्ट्रेशन उन्होंने हमारा किया था एक जिम के अंदर, उनकी फेडरेशन का कोई जिम था वहाँ पर पास में ही, तो उन्होंने उसमें जिम के अंदर हमारा वेट वगैरह, हमारी हाइट सब कर लिया, और हमारे को ट्रंक नंबर वगैरह मिल चुका है। अब कल जाएंगे, देखते हैं कहाँ पर कंपटीशन है, कैसा रहने वाला सारा कुछ। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कंपटीशन वगैरह की सारी अपडेट देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे। 2 hours later सो गाइस सोकर उठ चुके हैं यार, और बिल्कुल ही पानी तो छूटा हुआ है यार, हालत बहुत ख़राब है, मतलब जैसे तैसे करके दिन को काट रहा हूँ। और जैसे आपने देखा होगा मैंने कटिंग वटिंग करा ली थी, ये वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कल रात में, तो मैं कल शाम को ही कराया था, क्योंकि कल लास्ट पानी पीना था मैंने, और पानी बॉडी से टच भी लास्ट कल ही करना था, तो मैं कल कटिंग कराया, बियर्ड सेट करवाया अपनी, बिल्कुल शार्प लुक लेके जानी होती है मेंस फिजिक में, क्योंकि यार एक तो लुक देखी जाती है शार्प, और साथ में देखा जाता है बंदे की पर्सनैलिटी एंड ऑल। तो यार मतलब फेस को अगर मैं ऐसे रखूंगा ना, मतलब बिल्कुल शार्प सा, मतलब बियर्ड को कम रखूंगा, बहुत सारे लोग क्लीन शेव जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि भाई देखा जाता है कि बंदा बहुत ड्राई है और बहुत शार्प है, उसकी डेफिनेशन ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कल लास्ट नहाया था, अब आज नहाया भी नहीं, ब्रश भी नहीं करा, पानी मतलब टच ही नहीं करा सुबह से मैंने ना, कल भी नहीं होगा, अब कल सीधा कंपटीशन के बाद ही होगा शाम को, वो तो आपको दिखाऊंगा ये मैं कल के ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट मील। सो गाइस देख सकते हैं आप बॉयल्ड एग्स
और बॉइल्ड स्वीट पोटैटो। तो गाइस यही है। और कार्ब लोडिंग में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कार्ब लोड करने हैं, आपको सिंपल कार्ब लोड नहीं करने अपनी बॉडी में। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं और फिर आपको दिखाऊंगा अभी और भी मील्स हैं अभी दिन की, क्योंकि कार्ब अच्छे से लोड होनी चाहिए, मसल फुल दिखनी चाहिए कल। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे फिनिश करने के बाद। सो गाइस जैसे कि आपने देखा नेक्स्ट मील का टाइम हो चुका है और नेक्स्ट मील में मैं ले रहा हूँ ये। तो ये गाइस राइस केक्स हैं हमारे, ब्राउन राइस के बने हुए, जो कि कार्ब लोडिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब इस मील में मैं यही लूंगा भाई, 4 to 5 राइस केक्स लूंगा मैं, और उसके बाद रात की जो मैंने मेल मेन लेके सोनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह हो चुका है टाइम हमारी लास्ट मील का यार, जो मैंने आपको मील दिखा दी, इसमें मैं ले रहा हूँ स्वीट पोटैटो बॉइल्ड, साथ में बॉइल्ड चिकन और साथ में अपना 1/2 स्पून ऑफ पीनट बटर। तो पीनट बटर अभी ये लास्ट है, मतलब कॉम्पिटिशन से पहले, क्योंकि फैट्स आज लेने थे थोड़े बहुत, मतलब लिमिटेड अमाउंट में लेने थे 30 ग्राम करीब, तो बस पीनट बटर का मैंने आधा स्कूप ही लिया है। और सुबह थोड़ी बहुत मूंगफली मैंने वैसे ही खा ली थी, तो मेरा फैट्स का आज का पूरा हो चुका है। अब मैं फैट्स बंद, अब फैट्स मेरे कम्प्लीटली कट हो चुके हैं कॉम्पिटिशन तक। तो अब यही है बस मील यार, मील कम्प्लीट करते हैं और फिर वीडियो वहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी कल की वीडियो में, और कॉम्पिटिशन में क्या हुआ, कैसा रहा सब कुछ, क्या प्लेसिंग हुई, सब कुछ देखने के लिए अगली वीडियो के लिए चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, वहाँ पर मैं पहले ही अपडेट डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस आपसे जल्दी ही, बाय बाय।